हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। अ कॉइल ऑफ एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 50 टर्न्स इज रोटेटिंग विद 2000 रेवोल्यूशंस पर मिनट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.05 टेस्ला। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ डेवलप्ड इन इट इज, फर्स्ट ऑप्शन इज 200 पाई वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन इज 10 पाई अपॉन 3 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन इज 4 पाई बाय 3 वोल्ट एंड योर फोर्थ ऑप्शन इज 2 पाई बाय 3 वोल्ट। Okay, so let's see the solution. First of all, writing down the given data, we have area. Area question mein given hai 80 centimeter square. Isko hum convert karenge meter square mein. So 80 into 10 raised to power minus 4 meter square. Number of turns bhi given hai hume 50. Saath hi saath kaha gaya hai, it's rotating with 2000 revolutions per minute. So actually frequency hume given hai 2000 RPM, okay? अब ये मिनट में है, इसको हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो दिस कैन बी रिटन एज 2000 अपॉन 60 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, ओके? अच्छा जी, इसके अलावा हमें क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.05 टेस्ला और हमें बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ जो कि यहां पे डेवलप हुआ। सो अगेन वी हैव द फॉर्मूला फॉर द ईएमएफ इंड्यूस व्हिच इज इक्वल्स टू NBA ओमेगा। ओके, सो यहां पे ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। जब मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं तो एन बी ए इंटू ओमेगा की जगह 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं हम लोग। ओके, सो दिस इज द फॉर्मुला वी नो फॉर द इंड्यूस ईएमएफ। सो ई कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं यहाँ पे 50 है, एरिया है 80 इंटू 10 पावर माइनस 4, फ्रीक्वेंसी है 2000 अपॉन 60 एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 0.05। सो पुटिंग द वैल्यूज, नंबर ऑफ टर्न्स है 50, मैग्नेटिक फील्ड है 80 इंटू 10 टू ओ सॉरी एरिया इज 80 इंटू 10 टू माइनस 4, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.05 एंड 2 पाई, फ्रीक्वेंसी इज 2000 अपॉन 60। ओके, नाउ सॉल्विंग इट फर्दर, सो दिस कम्स आउट बी 8 5 इज 40, सो 40 एंड दिस जीरोस, तो 4000 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू दिस कम्स आउट बी 5 अपॉन 100 इंटू 2 पाई इंटू 2000 अपॉन 60, 1 2 3 1 2 एंड 3, ऑल दीज जीरोस गेट कैंसिल आउट। नाउ वी हैव द वैल्यू ई एज ओके 1 2 3 एंड दिस कम्स आउट बी 10 टू पावर माइनस 1। ओके, 10 टू पावर माइनस 4 से 10 टू पावर 3 कैंसिल हो गया तो बचा क्या 10 टू पावर माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू 5 इंटू 2 पाई इंटू 2 into 10 raised to power minus 1 upon 6, 2 3 is a 6 और ये 5 2 is a 10 बन जाता है, ठीक है? So 4 pi by 3 is the induced EMF. It's all about the calculation बच्चे, तो इसको calculate करोगे, सबको solve करोगे, 5 2 is a 10 होता है, 10 raised to minus 1 से 10 cancel out हो जाता है, so we'll get the value of 4 pi by 3 volt जो कि हमारा सही answer है, जो हमें मिलेगा हमारे third option में, 4 pi by 3 volt थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल द वेरी बेस्ट।